हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फास्ट ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो है 115 पदों पर वैकेंसी आउट की गई थी यहाँ पर, ठीक है। और इस वैकेंसी का जो है काफ़ी समय से लंबा इंतज़ार हो चुका है आप लोगों को वेट करते करते, बट यहाँ पर इसकी फिजिकल की डेट का अनाउंसमेंट नहीं पता, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। आपको एग्ज़ाम मतलब फिजिकल की डेट बताने वाले हैं, आपके फिजिकल की डेट क्या होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि एसएसबी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है निकल के कि आपकी जो फिजिकल की डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, है ना, आपको इसमें डेट के इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट क्या, पहले तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर जान लेते हैं कि इसकी जो वैकेंसी कैसे थी, मतलब कितनी वैकेंसी थी, किस डेट से अप्लाई हुई थी। थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से अपडेटिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास पीडीएफ था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो मैं पहले से थोड़ा सा आप लोगों को इसमें अपडेट कर मतलब जानकारी दे देता हूँ कि क्या थी वैकेंसी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, एसएसबी हेड कांस्टेबल के अंतर्गत 115 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि आपकी यूआर में 47 थी और ईडब्ल्यूएस में आपकी 11 थी, ओबीसी में 26 वैकेंसी थी, एससी में 21 थी और एसटी में 10 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल ऑफ नंबर अगर काउंट करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 115 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। और यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें सैलरी क्या होने वाली थी। आपकी सैलरी जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो है लेवल 4 की सैलरी होने वाली है, जो कि 25,500 तक और 81,100 पर मंथ आपकी मिलने वाली थी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से जो काफ़ी जो इसका वेट करना पड़ गया है। और यदि देखो यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपने जो आपकी एलिजिबल मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए थी। देखो, अगर आपकी एज 18 से 25 साल थी तो आपने फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा और इसमें 12th पास मांग रखा था, ठीक है। 12th यदि आपने पास किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। साथ ही साथ में स्किल टेस्ट, जो कि कंप्यूटर ऑन बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग प्रति जो स्पीड होती है 35 पर मिनट और हिंदी की 30 पर मिनट, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसा था। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपडेटिंग मतलब ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि भाई क्या सीन था मतलब इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी तो जो डेट है ना एडमिट कार्ड की, वो मैं बताने वाला हूँ फिजिकल की जो है आपकी, ठीक है। इसमें इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते कि इसमें जो है आपका जो आपकी पहले जो है क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। तो डिटेल से थोड़ी सी इसमें जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको यहाँ पर बात कर लेते फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेसर कि भाई सिलेक्शन प्रोसेसर कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, यानी कि PET, है ना, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। तो ये कुछ यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेसर है। सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिजिकल की अगर बात करें कि फिजिकल में क्या क्या कराया जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी मेल के लिए 1600 मीटर जो कि 6.5 मिनट में आपको रेस क्वालिफाई करनी है, और फीमेल की बात करें यहाँ पर मेल की 1600 मेल की यदि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो आपसे जो 1600 मीटर 6.5 मिनट में यहाँ पर आपको रेस कंप्लीट करनी है। फीमेल की यदि यहाँ पर बात करते हैं 800 मीटर जो कि आपको 4 मिनट में क्वालिफाई करनी है। तो ये तो भाई आपका फिजिकल हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया इसमें जो हाइट क्या थी, तो हाइट भी जान लेते हैं। यहाँ पर हाइट जो थी फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी होने वाली थी जो 4R कैंडिडेट एक्सपर्ट जो कैंडिडेट होते हैं ना, है ना, उनकी जो है यहाँ पर मेल की बात करें 1.65 सेंटीमीटर, फीमेल की यदि यहीं पे बात करें 1.55 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें यहाँ पर जो मेल होते हैं 77 से 85 के आपके समथिंग 83 इतना इसमें चेस्ट होने वाला है। तो भैया जो असम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन स्टेट से आते हैं, तो आप लोगों की मेल की हाइट 1.62.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 1.50 सेंटीमीटर होने वाली थी। और बात कर लेते हैं साथ ही साथ में यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल्स ट्राइब्स के होते हैं कैटेगरीज के, तो मेल की 1.62.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 1.50 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर अगर आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपकी 1.65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, किसी भी उससे आते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यार काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था आप लोगों को कि कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बनी हुई थी। उसके बाद आपका जो फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है।
तो मिनिमम रिटर्न में आपको मिनिमम 50% आपको नंबर लाने हैं AWS, OBC एंड ई सर्विसमैन, और SC एंड ST कैटेगरी को 45%, ठीक है। इतना स्कोर आपको करना है एग्ज़ाम में, मतलब मेरिट में नाम आने के लिए इतना स्कोर करना पड़ेगा। फाइनली आपका जो है फिर यहाँ पर मेडिकल करा लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट यहाँ पर आपकी जनरेट कर दी जाएगी। तो भाई ये कुछ जो जानकारी थी, ताकि आप लोगों को इससे ये समझ आ गया हो कि भैया वैकेंसी क्या थी, मतलब सीन क्या था इसका, ठीक है। आपको पता है 115 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, और काफ़ी समय से लंबा इंतजार हो चुका है आप लोगों का कि भैया इसके जो एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आपको जो बता दे, जो SSB की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट आ रही है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर जो है, जो ये इस समय आपका चल रहा है अगस्त, और यहीं पर आपको देखें सितंबर के लास्ट वीक तक आपको इसके साइट पर जो है SSB हेड कॉन्स्टेबल के जो है एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सितंबर के लास्ट वीक तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है, वैसे ही आपको मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर कभी भी किसी प्रकार की आपको फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रियल और एंड ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि कहीं ना कहीं आपके जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप भाई सितंबर के लास्ट वीक तक इंतजार करो, और उससे पहले के आने के भी चांस हैं। सितंबर में कहीं ना कहीं चांस बनते हैं कि आपको साइट पर SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स यही अपडेट था, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।